गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डेली बॉय। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते हमने अपनी जर्नी शुरू की थी वेल्स में। होलीहेड से हम लोग ने ट्रेवल किया था ब्लेनियो की तरफ को और ब्लेनियो से एवरस्मिथ की तरफ को। तो आज उस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग जाएंगे स्वांजी की तरफ को और आगे कार्डिफ की तरफ को। कार्डिफ के बाद में हम मिलेंगे साइकिल बाबा से जो कि अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं वापस फ्रांस की तरफ। जैसे कि आपको पता है ये वीडियो पिछले साल रिकॉर्ड की गई थी लेकिन किसी रीजन की वजह से अपलोड नहीं की गई। तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए जो वीडियो है सारी जो अभी 2 या 3 एपिसोड है ये पिछले साल शूट हुए थे जिसमें हमने कोविड से पहले रिकॉर्डिंग की गई थी। ड्यूरिंग कोविड मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी और मैं ये वीडियो को कंटिन्यू करना चाहता था क्योंकि मेरी जर्नी है जो कि हमने शुरू की थी क्रेट यामत से लेके यॉर्क, एडिनबरा, इनवर्नस, लेक डिस्ट्रिक्ट, ब्लैकपूल, चेस्टर, होलीहेड, वहां से हम लोग ब्लेनियो और एवरस्मिथ आए थे। और इसी को शुरू करते हुए हम लोग जाएंगे आगे स्वांजी की तरफ, कार्डिफ की तरफ। कार्डिफ से हम लोग साइकिल बाबा से मिलेंगे, उनको हम साउथ हैंडम के आसपास उठाएंगे। उसके बाद उनको लेके जाएंगे हम लोग टुवर्ड्स डोवर और डोवर से उनको हम बाय करके फिर जाएंगे कैंटरबरी की तरफ को और वहां अपनी जर्नी फिनिश करेंगे। इसके बीच में मैंने आपको दिखाना था ब्रिस्टल जो कि मैं दिखा नहीं पाया ड्यूरिंग कोरोना वायरस। तो अगर रिस्ट्रिक्शन हटती है तो हम अपनी जर्नी वापस शुरू करेंगे और मैं आपको ब्रिस्टल और बाथ दिखाऊंगा जरूर। तो आज संडे मॉर्निंग है, मैंने कहा बच्चों को वॉक पे ले चलते हैं। यहाँ बेडफोर्ड में बहुत अच्छा लेक है जिसमें नॉर्मली सैटरडे संडे को वॉक के लिए जाते हैं। तो गाइस लेके चलता हूँ आपको अपने लोकल लेक की तरफ को जो कि बेडफोर्ड में ही है। हमारे घर के पास में 2 लेक है एक्चुअली और जब भी हमें लॉकडाउन में एक्चुअली हमें रिस्ट्रिक्शन के अंदर आसपास में वॉक करना रहा है फैमिली के साथ में। तो लेके चलता हूँ और मीनवाइल कार्डिफ पहुंच जाएंगे हम लोग। तो चलते हैं आगे। तो ये बेडफोर्ड प्रेरी पार्क है और काफी पॉपुलर है अमंग बेडफोर्डियंस। तो बेडफोर्ड के आसपास घूमने फिरने के लिए बड़ा अच्छा है। अगर आप मेरे पीछे हैं देखें तो यहाँ डक्स वगैरह होती हैं और पेडेस्ट्रियन वॉक्स हैं और चलने मिलने के लिए बड़ा अच्छा है, बच्चों के लिए पिकनिक के लिए बड़ा अच्छा है। तो अगर आप भी यहाँ पर आसपास हैं तो आ सकते हैं, पार्किंग फ्री है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो यहाँ पर आपकी पार्किंग है, यहाँ से आप वॉक कर सकते हैं। फिर जैसे बाहर गए थे नहर देखने के लिए वहाँ जा सकते हैं या फिर आप वापस आके इस पूरे इसका राउंड ले सकते हैं। ये बीच में आइलैंड है जहाँ पर डक्स अपने बच्चे देती हैं और यहाँ पर एक फीडिंग पार्ट है जिसमें आप डक्स को फीड कर सकते हैं, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह। ये बेटा लॉक्स होते हैं यहाँ पर, जैसे बोट आएगी ना तो वहाँ से पानी ब्लॉक, बोट वहाँ से आएगी फिर इस पर रुकेगी, फिर वो लोग वहाँ से ब्लॉक कर देंगे और इसको यहाँ से बंद करके यहाँ से खोलेंगे तो बोट जो है उस तरफ निकल जाएगी। इनको लॉक्स बोलते हैं इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पर जो लॉक की होती है, यहाँ की लगा के जो यहाँ के नैरो बोटर होते हैं उनकी एक की होती है, तो वहाँ से लॉक बनेगा, यहाँ से लॉक बनेगा, बोट आएगी उसके बाद निकल जाएगा। तो इस तरह की वॉक में छोटे थके हुए बच्चे आपको हमेशा दिखाई देंगे। तो चलते हैं आगे स्वांजी की तरफ। स्वांजी वेल्स के साउथ कोस्ट में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है। ये अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉपुलर है। हम लोग इस टाइम स्वांजी में हैं। स्वांजी
बिल्कुल नीचे साउथ में है वेल्स के अंदर, और यहाँ वहाँ से कोई 1.5 घंटे की ड्राइव है। तो एवर स्विच से हम लोग निकले थे, तो सॉरी 1.5 घंटे की ड्राइव है, एवर स्विच से 2.5 घंटे की ड्राइव है स्वानजी। स्वानजी में सिटी गेट बहुत पॉपुलर है, तो अगर आप स्वानजी जाएं तो इसे जरूर चेकआउट करें। हम लोग इस टाइम स्वानजी में कासल स्क्वायर में है। ये पीछे जो कासल की बिल्डिंग है, ये सबसे पुरानी मॉन्यूमेंट है यहाँ का। यहाँ से आप 5 मिनट की वॉक पे पीछे डॉक पे जा सकते हैं, और चाहे तो इस तरफ शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। हमारे पीछे पूरा शॉपिंग स्ट्रीट है, हाई स्ट्रीट, और इस साइड में पूरी रेस्टोरेंट्स की स्ट्रीट्स है, जहाँ पर काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट्स हैं, जिसको दी सिटी गेट कहते हैं लोग। तो दी सिटी गेट जा सकते हैं आप लोग अगर आपको भूख लग रही है। बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं बहुत बड़े, स्लग एंड लेट्यूस, उसके बाद फिर आपका पिक्चर एंड पियानो है पब, फिर एक शीशा बार भी है। तो डू ट्राई दिस प्लेस, ये है पूरा सिटी सेंटर। चलते हैं फिर आगे। हम लोग अगला टाउन हम लोग कवर कर रहे हैं कार्डिफ। कार्डिफ में हम लोग कार्डिफ पे जाएंगे, समुद्र के पास है कार्डिफ। अपने स्टील इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है बहुत ज़्यादा, और जैसे टाटा स्टील का जो बेस है वो कार्डिफ में ही है। तो चलते हैं फिर, होप आप मेरी स्टोरीज को फॉलो करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास वक्त हो तो आप यहाँ पर स्वानजी बे पे घूम सकते हैं, जो कि खूबसूरत जगह है, प्लस मैम्बल पियर जो रात में बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप म्यूजियम इंटरेस्टेड हैं तो स्वानजी म्यूजियम इज वन ऑफ द प्लेस टू गो। यहाँ पर इजिप्शियन ममी का एक अलग से सेक्शन है, प्लस यहाँ वेल्श हिस्ट्री से लेके काफी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको अमेज कर देंगे। और टाइडल लगून स्वानजी बे का एक नया प्रोजेक्ट है, जो कि एक्चुअली टाइडल लगून पावर प्लांट है, करीब 1.3 बिलियन की लागत से बना हुआ। तो आइए आपको कार्डिफ लेके चलते हैं। कार्डिफ शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, इसका पहला हिस्सा यहाँ का टाउन सेंटर, जो कि कार्डिफ कासल के बिल्कुल साथ में बना हुआ है। अगर आप कासल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, इट्स वन ऑफ द प्लेस टू विजिट। टिकट स्टार्ट फ्रॉम £10। और दूसरी तरफ कार्डिफ बे, जो कि अपने कोस्टल वे और वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है, बच्चों और फैमिली के लिए बेस्ट प्लेस फॉर अ डे आउट। हम लोग कार्डिफ पहुंच गए, सिर्फ 1 आवर की जर्नी है स्वानजी से। कार्डिफ बे में आए हूँ इस टाइम पे। कार्डिफ टाउन सेंटर भी घूमने की जगह है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, म्यूजियम्स हैं यहाँ पर देखने के लिए। कार्डिफ बे मेनली घूमने फिरने के लिए। बोट ट्रिप्स के लिए, खाने पीने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर। आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, पब्स हैं, बार्स हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। आप यहाँ पर चाहे तो नॉर्मल पैसेंजर बोट ट्रिप कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर स्पीड बोट ट्रिप कर सकते हैं। बच्चों के लिए घूमने के लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर, एक जाइंट व्हील है यहाँ पर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिलेनियम मॉल टाइप का है। तो इट्स अ गुड प्लेस टू कम। मैं कार्डिफ बिल्कुल एंड आया था इस तरफ से। कार्डिफ अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, बे के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से
सी से बहुत ट्रेड होता है ना, तो वन थिंग्स टू ट्राई. सो लेट्स एक्सप्लोर कार्डिफ. अपने फैमिली कार्डिफ विजिट के दौरान आप यहाँ पर काफी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि कार्डिफ कासल, कार्डिफ बे, कोपली कासल, नेशनल म्यूजियम ऑफ कार्डिफ, कोस्टल को, सेंट फ्रैंकलिस नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, प्रिंसिपैलिटी स्टेडियम, वेस मिलेनियम सेंटर एंड ब्यूट पार्क. और ये सभी कार्डिफ के 25 माइल के रेडियस में है. आप चाहें तो कार्डिफ की सिटी साइड बस भी ले सकते हैं, स्टार्ट प्राइस फ्रॉम £15. Cardiff way, very nice. Eat, drink, relax. Boat trips, बच्चों के लिए shopping mall. आसपास काफ़ी घूमने जगह है. You need at least one day. Town घूमने के लिए, Cardiff way के लिए. Restaurant में meal per person about 12 to 14 pound, including drink. McDonald's are a cheap option. McD, जिसे McD बोलते हैं. और यहाँ पर जो room है, hotel rooms, 50 pound, 60 pound में. और कपल बच्चों को तो वैसे भी फ्री होता है मोस्टली, और कपल ऑफ फैमिली फॉर फोर जैसे बच्चे हो तो विद इंक्लूसिव रेट का मिल जाता है. booking.com इज़ अ बेस्ट साइट, hotel.com इज़ अ बेस्ट साइट. अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं तो hostel.com पर ट्राई कर लो. हॉस्टल रूम और भी सस्ते हैं. 12 पाउंड से हॉस्टल रूम सोलो ट्रैवलर के लिए शुरुआत है. इट्स नाइस. अब लोग पार्क ही जा रहे हैं, गाड़ी निकालेंगे. तो आज की शाम ख़त्म, ख़त्म हुआ सफ़र, पर ज़िंदगी अभी बाकी है. तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी मुस्कान के साथ. हम लोग इस टाइम यहाँ पर एक फिंगर लेक भी है, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ना ऐसे बहुत कच्चा रास्ता होता है, पर है बड़ा अच्छा देखने के लिए. अगर आप इस तरफ आते हैं तो इस तरह के जूते जरूर पहनिएगा. तो आप भी अपनी फैमिली के साथ में ये समर एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए अपनी स्टोरी नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी मुस्कान के साथ. सफर खत्म पर जिंदगी भी बाकी है. खुश रहिए, आबाद रहिए, डेली बॉय के साथ साथ रहिए. एग्जैक्टली. जिससे कि पुराने टाइम में ये लोग क्रॉस करके यूरोप से अटैच होते थे, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होती थी इनको, पूरा घूम के आना पड़ता था. तो इसमें भी बड़ा ऐतिहासिक है क्योंकि हजारों साल से यही व्यापार का रास्ता रहा है. पानी मारा इसका. गणपति जी क्या कर रहे हैं आप? कोरोना वायरस में घर में बैठ के वॉल पेपर निकाल रहे हैं खुर्चों से. बढ़िया है ना, कुछ तो कर रहे हो. बढ़िया नहीं है, बहुत मुश्किल होता है कभी निकालना. ऐसे ऐसे स्टीम दे देंगे ना, खुश खुश निकालना होगा ऐसे ऐसे करते हैं.